असलकम वह ला वरक़ इनशा आज की कूफ़े कैलेग्राफ़ी में हम वाओ लिखना सीखेंगे सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं ज़ीरो टू ट्वेल्व आप वर्टिकल नंबरिंग करेंगे ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ट्वेल्व तक हमें ज़रूरत है तो हमने ट्वेल्व तक नंबरिंग ज़रूर करनी है उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करेंगे ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो वन टू एंड थ्री नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे सेवन से लेकर इलेवन तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल सेवन टू इलेवन फोर बॉक्सेस की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए आप यहाँ पर एट टू नाइन ठीक है वन पर एट टू नाइन एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन और वन टू टू नाइन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको इस तरह से राउंड करके मिला देंगे इसके बाद इसके ऊपर इसकी कवरिंग करेंगे तो हम क्या करते हैं सेवन पर ज़ीरो टू वन पॉइंट फाइव पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसी तरह यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं थ्री पर एट पॉइंट फाइव से लेकर टेन तक और फिर इसको यूँ मिला देते हैं राउंड करके ठीक है ये जॉइंट होने के बाद आपने क्या करना है ये टेन वाली जो बेस लाइन है उस पर वन टू थ्री टू बॉक्सेस की एक लाइन ड्रॉ करना है टू बॉक्सेस की हमने लाइन ड्रा की अब हम वन बॉक्स की यहाँ पर टू टेन पॉइंट फाइव आप एक लाइन ड्रॉ कर लें थोड़ा सा नीचे ही ले, ले लें बल्कि फिर इसको यहाँ पर थ्री पर ले आए और इससे जॉइन कर लें हमने जॉइन करना है इसको ठीक है और फिर आप इसी के बिल्कुल पीछे एलेवन तक जॉइन कर लेंगे पहले लाइट हैंड से ड्रॉ कर लें फिर उसके बाद इसको जॉइन कर लीजिए इस तरह से ठीक है इसकी जो टिप है थोड़ी सी पॉइंटेड होनी चाहिए अब ये एक तरीक़ा है वाव बनाने का अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे बेस लाइन पर और एक बात याद रखें कि वाव कभी भी इस तरफ से कनेक्ट नहीं होता लेफ्ट हैंड साइड से आप कभी भी वाव को कनेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह हमने देखा था अलिफ दाल दाल रोजा और ये वाव ये छह लेटर्स कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्ट नहीं होते अब हम दूसरा तरीका देखते हैं आप सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे वर्टिकल आपने नंबरिंग करनी है ज़ीरो टू ट्वेल्व ज़ीरो टू ट्वेल्व आप नंबरिंग करेंगे ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर ज़ीरो टू फोर आपने नंबरिंग करनी है हॉरिजॉन्टली ज़ीरो वन टू थ्री फ़ोर अब हम सबसे पहले सिक्स पॉइंट फाइव से लेकर टेन पॉइंट फाइव तक एक लाइन ड्रा करेंगे वर्टिकल सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन टेन पॉइंट फाइव तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने और फिर उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर एट टू नाइन आप वन पर लाइन ड्रॉ करेंगे एट टू नाइन एक वर्टिकल लाइन है और वन टू टू नाइन पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे फिर आप इसको मिला देंगे राउंड करके ठीक है दोनों लाइंस को राउंड करके मिला देना है इसके ऊपर भी हमने क्या करनी है इसकी बाउंड्री बनानी है लेकिन उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ की लाइंस ड्रा कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन अब हम बनाएंगे वन से लेकर थ्री पॉइंट फाइव तक वन टू थ्री पॉइंट फाइव एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस लाइन पर टेन पर एक लाइन ड्रॉ की हमने उसके बाद यहाँ पर एट पॉइंट फाइव से लेकर नाइन पॉइंट फाइव तक एक लाइन ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन है थ्री पर फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम सेवन पर सेवन पर आपने लाइन ड्रॉ की वन टू टू अब हम इन सारी लाइंस को मिलाते हैं राउंड करके पहले आप इस लाइन को राउंड करके मिला दीजिए ठीक है फिर इस लाइन को आपने यूं लेकर आना है और ऊपर की तरफ पॉइंटेड बना देना है ठीक है और इसी तरह जिस तरह ये पॉइंटेड बनाया है उसी तरह इसको भी पॉइंटेड बनाना है तो दो टिप्स आ गई हैं आगे पीछे ठीक है अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे थ्री पर एलेवन और थ्री जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर ठीक है ये आपकी मार्किंग है और इसको मिला देंगे हम इससे इस तरह से राउंड करके ठीक है तो ये हमने मिला दिया फिर इसी के पीछे एक पॉइंटेड टिप होनी चाहिए इसको पीछे वाले बॉक्स से मिला देंगे पीछे वाली लाइन से हमने इसको मिला दिया तो ये हमारा दूसरे तरीके का वाव है और इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा पीछे की तरफ से वो बेस लाइन पर ही होगा यानी टेन पर ठीक है तो आप इस तरह से इसका बेस लाइन पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक वाव है ये दूसरा वाव है यानी आपने इसकी टिप्स बनानी है और इसको थोड़ा सा राउंड रखा है हमने देखे और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखा है है ना अब हम आते हैं थर्ड किस्म के वाव पर उसके लिए आप नंबरिंग करेंगे ज़ीरो टू ट्वेल्व नंबरिंग कर लें वर्टिकली नंबरिंग जो होगी जीरो टू ट्वेल्व होगी अभी हम सिक्स से कर लेते हैं और वर्टिकली जो नंबरिंग हो गई ज़ीरो टू ट्वेल्व हुई और हॉरिजॉन्टल नंबरिंग होगी हमारी ज़ीरो टू फोर ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर तो ये फोर बॉक्सेस की नंबरिंग की है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ज़ीरो टू ट्वेल्व अब सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर वन टू टू यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाएँ वन टू टू के बीच में और एट टू नाइन वाले जगह पर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दें उस बॉक्स में सबसे पहला काम सर्कल यहाँ पर कोई भी रूलर का काम नहीं है इसमें सारा कुछ हमने हाथ से ड्रा करना है ठीक है एट टू नाइन और वन टू टू की जगह पर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया अब आप इसी के पीछे इसकी बाउंड्री बनाएंगे यहाँ ले लें ये वन उसके नीचे वन पॉइंट से लेकर अब इसके पीछे ड्रॉ करते जाएं और यहाँ तक हम लाएंगे रोक देंगे किस जगह तक हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं वन वन और टेन जहां रहे है वहां से लेकर यहां से आप इसको राउंड ही रखें ठीक है इस तरह से आपने इसके पीछे बिल्कुल एक सर्कल ड्रा किया और उसकी बाउंड्री बना दी ठीक है तो इस पॉइंट पर लाकर हमने इसको छोड़ दिया कहाँ पर है ये वन और टेन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर वन पॉइंट फाइव और सेवन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर लाकर हमने इनको छोड़ दिया ठीक है तो ये है आपके स्टॉपिंग पॉइंट है फिर उसके बाद आप इसको सीधा एक लाइन ड्रा करेंगे सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन पॉइंट फाइव तक एक लाइन ड्रा कीजिए सीधी वर्टिकल लाइन अब हमने क्या करना है यहाँ फोर फोर की जगह से और इसको टेन को मिला देना है बिल्कुल एक उथली सी लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्का सा कर्व लेंगे और इसको मिला देंगे इस तरह से ठीक है ज़्यादा डीप नहीं है खाली उथला सा कर, उसका कर्व है फिर इसके पीछे बिल्कुल यहाँ तक ला के एक कर्व बनाना है लेकिन लाइन से बाहर हमने नहीं जाना है लिटिल बिट आप यहाँ की तरफ से ले सकते हैं बट स्टिल आपने कोशिश करना है कि लाइन से बाहर आप ड्रॉ ना करें इसको पहले आप मार्किंग कर लें इस तरह से पीछे से लाइट हैंड से ड्रॉ कीजिए फिर देन यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ठीक है तो ये आपने इस तरह से करना है अब ये जो आपका पॉइंट है आप इसको थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा राउंड कर दें उसको स्ट्रेट की बजाय ये आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करना है फिर आप इसका जो जॉइनिंग पॉइंट है इस जगह पर बनाएंगे बेस लाइन पर आपका बेस लाइन पर इसका जॉइनिंग पॉइंट हो जाएगा और इस तरह से ये जो वाव है इसके अंदर आप रूलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बेस लाइन पे इसका जॉइनिंग पॉइंट होगा और इस तरफ से वाओ कभी कनेक्ट नहीं होता ये हमने तीन तरीके देखे वाओ बनाने के और सबका बेस लाइन पर पीछे की तरफ से यानी राइट हैंड साइड पर आप क्या करेंगे जॉइनिंग पॉइंट बनाएंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर आप जॉइनिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे आप इसको देख सकते हैं जजाकल्लु ख़ैरन कसरा अलमकुम वरहत ला